नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल अभी आज हम वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाट 80 घाट पर हैं और बाढ़ के बाद यहाँ की जो स्थिति हुई थी काफ़ी खतरनाक स्थिति हुई थी और यहाँ पे लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाते हैं कि 80 घाट का इस समय क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है, वो सब सारा चीज़ दिखाते हैं। अभी लोगों का आना जाना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि नहीं, वो सब सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपना वीडियो दिखाना। दोस्तों फिलहाल ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये नगवा और संत गुरु रविदास पार्क होते हुए आता है और अगर आप इधर से जाते हैं तो रविदास गेट भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल सामने आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं ठेठ बनारसी बाटी छुका रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में भी पिछले टाइम हुआ था पानी एकदम भर चुका था और अभी क्या है कि इन सब रेस्टोरेंट को चालू नहीं किया गया है। जैसा कि बगल वाला रेस्टोरेंट भी इसका भी वही हाल था, ग्रीन गंगा रेस्टोरेंट था, इसका भी वही हाल था कि पूरी तरह से पानी से डूब चुका था। और फिलहाल अंदर में जो पानी से टूट चुके हैं दीवार यहाँ के, उसके मरम्मत का काम चल रहा है। और सामने आपको इधर दिखा दे तो देखिए ये मेन गेट है, ये मेन गेट है और सामने वाला ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है दुर्गा कुंड भेलूपुर से आते हुए। और हम आपको चलते हैं नीचे, अभी दिखाते हैं यहाँ की स्थिति। और अगर हम यहीं सामने आपको खड़े होकर पहले दिखाएँ कि आप ये सामने वाला एरिया देख सकते हैं कि यही है सुबह बनारस। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो सिल्ट जमा हुआ था 2.5 से 3 फीट 4 फीट कहीं इतना मोटा सिल्ट यहाँ पे जमा हुआ था, मिट्टी जम गया था बाढ़ की वजह से। तो अभी फ़िलहाल ये हुआ है कि प्रेशर मशीन के द्वारा यहाँ पे जो भी मिट्टी है वो सब सारे मिट्टी को साफ़ किए जा रहे हैं। और ये जो सामने वाला रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है ये रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से साफ़ सफाई हो चुका है। जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ आपको ऊपर का जो भी एरिया है सब जगह आपको मिट्टी खाली दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये पाइप फट गया है, यही पाइप है जो कि प्रेशर वाली पाइप है, इसी के द्वारा सफाई हो रहा है। फिलहाल आप आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि देखिए वहाँ पे वो मशीन चल रहा है जो प्रेशर वाला मशीन होता है, जनरेटर जिसे कहते हैं, देखिए वहाँ पे चल रहा है वही पाइप, उसी मशीन के द्वारा जुड़ के पाइप इधर आया हुआ है और यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है। बाकी अगर एक बार आपको इधर का भी एरिया दिखाया तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पूरा साफ़ सफाई हो चुका है, बस आगे का जो एरिया है वो सब अभी नहीं हुआ है, वो सब भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा काम उधर का भी। बाकी इधर सीढ़ी से अगर हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ा बहुत सिल्ट दिख रहा है। और अभी जहाँ हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो घाटों का संपर्क क्षेत्र था वो अभी तक आपस में नहीं जुड़ा है क्योंकि अभी पानी की स्थिति वो नहीं है, पूरी तरह से पानी नीचे नहीं गया है, अपनी पुराने स्थिति में नहीं है। अभी भी आप सामने पानी देख रहे हैं कि पानी ऊपर ही आप सभी लोग को दिख रहा होगा। और फिलहाल मैं यहाँ पर जो गंगा आरती होता था वो गंगा आरती अभी स्टार्ट हो चुका है, वो आपको देखे दिखा रहे हैं यहीं पर गंगा आरती होता है। जो सामने आप 1 2 3 4 5 6 7 चौकी है, इसी चौकी के ऊपर गंगा आरती होता है। तो अभी फ़िलहाल जो गंगा आरती होता था वो चीज़ स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इधर के साइड में देखिए कि इन सीढ़ियों की साफ़ सफाई हो रही है अभी। I'm
और देखिए इधर से अगर हम दिखाते तो यहाँ पे देखिए अभी मिट्टी थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी आज के डेट में हो सकता है शाम तक इधर सफाई हो जाएगा। मतलब ऊपर का जो भी एरिया था वो सब सारा साफ सफाई हो चुका है। सामने आप देख रहे हो उनकी वो महादेव का मंदिर है जहाँ पे 80 घाट का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 80 घाट का बोर्ड लगा हुआ। और देखिए ये सब एरिया अभी साफ सफाई चल रहा है, इधर जो भी साफ सफाई का काम है वो सब सारा चल रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा उधर आगे के साइड में चलते हैं। फिलहाल में आप इधर देख सकते हैं कि गंगा स्नान चालू हो चुका है। देखिए कितना आराम से लोग मौज मस्ती लेके आराम से नहा रहे हैं। और एक चीज़ कहेंगे कि जितने भी लोग नहाना चाहते हैं अभी वो बड़ा ही सुरक्षित होके नहाए। और यहीं आपको सामने हम दिखाते हैं गंगा महल घाट, आप देख रहे होंगे। और ये गंगा महल घाट का रास्ता आपको ये सामने वाला दिख रहा होगा। अभी ये रास्ता देखिए कि पूरी तरह से सिल्ड से जमा हुआ है। और जहाँ हम आपको बताते हैं कि जो घाटों का संपर्क क्षेत्र होता है वो आप देख सकते हैं कि अभी तक पूरी तरह से डूबा हुआ है। और देखिए ये लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, अभी भैया आए तो मना किए। क्यों इसलिए मना किए? क्योंकि ये सब जो एरिया है काफ़ी गहरा एरिया है। और देखिए ये मना कर रहे हैं, पानी बढ़ा हुआ है, बाढ़ का समय है, इसलिए मना कर रहे हैं कि ज़्यादा नहाना धोना नहीं है। अगर आप एक डुबुकिया दो डुबुकिया मार लिए हैं तो आप आराम से बाहर निकल जाइए, क्योंकि सुरक्षित होकर नहाना बहुत ज़रूरी है। लोग नहाते नहाते कहीं ना कहीं सुरक्षा भी भूल जाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे पानी अभी कितना तेज बह रहा है। और यहाँ पे देखिए आपकी ये जो प्रेशर वाली पंप है, पानी का फुहारा है, उस फुहारे से कितना तेज़ मिट्टी कट रहा है। इसी तरह से इस पूरे घाट का साफ सफाई किया जाता है। और अभी टोटल दोस्तों बता दें कि यहाँ पे 22 पंप लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ बनते बिगड़ते भी रहते हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिट्टी जमा हुआ था वो खाली हो गया। फिलहाल में यहाँ भी देखिए एक छोटी सी मंदिर थी सामने, इस मंदिर में देखिए कि पूरा मिट्टी अभी तक भरा ही हुआ है। साफ सफाई में लोग लगे ही हैं, सामने आप जैसा कि देख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए कि इस वाले मंदिर में भी मिट्टी पूरा भरा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने 80 घाट पे देखा कि यहाँ पे काफ़ी मोटी जो मिट्टी जमी हुई थी वो मिट्टी का साफ सफाई हो चुका है। और थोड़े बहुत जहाँ भी नीचे के साइड में बचे हुए उनका साफ सफाई बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और अगर हम यहीं गंगा आरती की बात करें तो यहाँ घाट पे गंगा आरती स्टार्ट हो चुका है। अगर आप गंगा आरती देखना चाहते तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आज दिन की बात करें तो दिन बृहस्पतिवार है और अभी समय जो है तो 2 बज रहा है। काफ़ी तेज़ धूप है, काफ़ी गर्म मौसम है यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आज के वीडियो में हम आप सबसे यही विदा लेते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।